चंडीगढ़ की, जहां पर 13वीं वाहिनी सीआरपीएफ स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर 13वीं वाहिनी की कमांडेंट कमल सिसोदिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस स्वच्छता अभियान में 13वीं वाहिनी के स्वच्छता प्रहरियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जितना महत्व हमारे कर्मचारियों के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा का है, उतना ही महत्व देश की स्वच्छता का भी है। सफाई अभियान चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में मनाया जाएगा। बता दें कि 13वीं वाहिनी युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को भी चला रही है। पिछले एक पखवाड़े के दौरान हमने मिलकर इस कैंप का जीर्णोद्धार किया है। चाहे हमारे कैंप में नाला हो, गटर हो, नालियां हो, या कैंप के गंदे पड़े हुए इलाके हो, पेड़ की टहनियां हो, हम सभी ने मिलकर यानी कि 13 बटालियन के समस्त जवानों, अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों, पूरी की पूरी टीम 13 सीआरपीएफ ने मिलकर इस कैंप को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। हम चाहते हैं कि पूरे मनोयोग से हम इस कैंप को एक स्वच्छ कैंप बनाकर एक अनूठी मिसाल पेश करें राष्ट्र के सामने। आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है, तो जहाँ एक ओर हम अपने इस राष्ट्र की सुरक्षा पूरे मनोबल से करते हैं, कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते, वहीं जब भी भारत सरकार का कोई भी अभियान चलता है तो उसमें जी जान से हम जुट जाते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मनोयोग से हमारी ये टीम 13 बटालियन सीआरपीएफ चंडीगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली में, जहां जहां पे भी हमारी आउटपोस्टें हैं, हम सभी जगह मिलकर सफाई के इस अभियान में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं।